अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना डेटा बेसिस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। उससे पहले हम लोगों ने लास्ट 4 लेक्चर्स में डिस्कस किया था आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने डेटा बेसिक्स डिस्कस किए थे। रो क्या होती है, फील्ड क्या होती है, फाइल क्या होती है, फाइल को एक्सेस करने के डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने सब डिस्कस किया था। इन लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग आपका बुक का चैप्टर नंबर 2, जो कि है आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसिस, उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो कंटेंट हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर करना है, सबसे पहले हम लोगों ने फील्ड्स देखनी है, फिर देखना है कि टेबल या रिलेशन क्या होते हैं, देन प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन और आखिर में व्यूज। तो ये चारों की चारों जो कंटेंट हम लोग डिटेल में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फील्ड और रिकॉर्ड क्या है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फील्ड आप लोगों के पास होता है अ सेट ऑफ वन और रिलेटेड कैरेक्टर्स आप लोगों के पास, हम उसको क्या बोलते हैं, फील्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक टेबल बना दिया, तो टेबल में जो कॉलम होते हैं, जैसे रोल नंबर होता है आपका, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के उस कॉलम का जो नेम होता है वो उसको बोलते हैं फील्ड। तो उसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, फील्ड। इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय अ यूजर। ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है और मैं आप लोगों का स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और मैं देखती हूँ रोल नंबर वाइज देख रही हूँ या नेम वाइज देख रही हूँ, ये आप लोगों के पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी यूजर को एक्सेस करने का, जैसे आप लोग रोल नंबर के थ्रू करते हैं। तो पूरे कॉलम का वो जो एक नाम होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इसमें किस टाइप का डाटा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड। देन ऑल फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। जो भी आप लोगों के टेबल में कॉलम्स के नाम होते हैं, जो फील्ड का नेम होता है, फील्ड उसको यूनिक होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेम आप लोगों के पास है, आपको उस फील्ड के आइडिया हो गया कि इसमें जब भी मैंने डाटा एंटर करना है मैंने नेम ही लिखना है। जैसे हम लोग फॉर्म्स फिल करते हैं, फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, मिडिल नेम लिखो, तो वो जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम होता है वो क्या है, फील्ड। कि इस फील्ड में आप लोगों ने ये रिकॉर्ड एंटर करना है, तो रिकॉर्ड आप लोगों के पास उस फील्ड की जो वैल्यू हम लोग एंटर करते हैं वो क्या है, रिकॉर्ड। और हमेशा हर फील्ड, जैसे नेम है और मैंने अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करना है तो ये यूनिक होना चाहिए, रोल नंबर है तो उसका फील्ड के नेम यूनिक होने चाहिए। कभी भी आप लोगों के पास वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि आपने उस फील्ड में या उस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या डेटा एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास जो एम्प्लॉय आईडी है, नेम, हाइडेट, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों के एम्प्लॉय डाटा के अकॉर्डिंग है। अगर स्टूडेंट हो तो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट के जो नेम्स हैं वो सब। तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फोन एक्सेट्रा, तो ये किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये फील्ड्स हो सकती हैं। तो ये फील्ड्स आइडेंटिफाई हम, ये फील्ड्स हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि इस कॉलम में कॉलम आईडी सारे पड़े, एम्प्लॉय आईडी पड़े हुए हैं, इस कॉलम में नेम्स है, इसमें हायर डेट है, ताकि, और ये फील्ड्स का मीनिंगफुल होना जरूरी है ताकि हम लोग अपने रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। देन आप लोगों के पास रिकॉर्ड क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। अगर हम लोग अपनी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, तो आप लोग एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जब मेंटेन कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉय के लिए जो टेबल बना रहे हो उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हाई डेट, जॉब टाइटल, फोन, ये सारी क्या हैं, फील्ड्स। जब हम इन फील्ड्स को कलेक्ट करके एक जगह पे एक एम्प्लॉय के रिलेटेड ये सारे हम लोग डेटा एंटर करेंगे, उसका आईडी, उसका नेम, उसकी हाई डेट, जॉब टाइटल, ये सब, तो वो मिलके एक सिंगल यूनिट बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, रिलेटेड का वर्ड यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास जितनी भी फील्ड है वो रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में या एम्प्लॉय की फील्ड में स्टूडेंट का रोल नंबर वाली फील्ड एंटर नहीं कर सकते, तो जितनी भी फील्ड है उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। जैसे ये अभी हम लोगों ने जो फील्ड डिस्कस की वो सारी क्या थी, एम्प्लॉय से रिलेटेड, कि उसका नेम आईडी, उसका जॉब टाइटल क्या है। और जब आप किसी भी एक एम्प्लॉय के बारे में ये सारी फील्ड्स फिल अप करोगे तो वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड क्या बन जाएगा, उसका रिकॉर्ड।
ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एंटिटी. रिकॉर्ड को हम मोस्टली रो में शो करते हैं, तो टेबल में आप लोगों के पास रोल नंबर का, नेम का, मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम एक ही होता है, लेकिन हर रो में एक नए स्टूडेंट का डाटा एंटर होता है, तो हर रो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती है. इसी तरह आप लोगों के पास हर रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट एंटिटी का होता है. एंटिटी का क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका जिसके लिए हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन किया. आप लोगों की क्लास में जैसे स्टूडेंट जो एक एंटिटी है, तो अब स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 सब अब डिफरेंट एंटिटीज है जिनका डाटा हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है. ऑल रिकॉर्ड इन अ फाइल कंटेन्स द सेम फील्ड. एक फाइल में, जैसे मैंने कहा था एक फाइल स्टूडेंट रिकॉर्ड की फाइल है, तो अब जब मैं आप लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी तो सबका रोल नंबर होगा, सबका नेम, सबके मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, ग्रेड सबका ही आएगा. और जब मैं आपकी पूरी क्लास का करूंगी तो मैं टेबल के ऊपर एक दफा ही टाइटल देती हूँ और नीचे हर रो में क्या लिखती हूँ, मैं उसका उसकी वैल्यू लिखती हूँ कि ये रोल नंबर 101 है, रोल नंबर 102 है, लेकिन मैं कभी भी कॉलम का नेम बार बार नहीं लिखती. तो आप लोगों के पास सारे रिकॉर्ड्स मिला के जो चीज, ऐसे रिकॉर्ड्स मिला के जो चीज बनती है वो क्या होती है, फाइल. और एक फाइल में सारे रिकॉर्ड्स की जो फील्ड्स होती हैं वो सेम होती हैं. ऐसा नहीं है कि मैं रोल नंबर 101 के लिए फॉर एग्जांपल नेम लिख रही हूँ, फर्स्ट नेम लिख रही हूँ, 102 के लिए लास्ट नेम ले रही हूँ, ऐसा नहीं होता. आप लोगों के पास रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स की जो फील्ड्स हैं वो हमेशा सेम होती हैं एक फाइल में. देन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर टेबल में, तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, ये हमारे पास आपके पास क्या बोलते हैं फील्ड्स. देन आप लोगों के पास रिकॉर्ड क्या है, ये जो हम लोगों ने इस पूरे हर फील्ड के अगेंस्ट जो मैंने वैल्यू ली है, तो अली रजा का ये रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है. और इसी तरीके से फाइल आप लोगों के पास क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड used as a single unit. अभी तो हम लोगों ने लास्ट देखा कि ये एक ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था. जब ये एक से ज्यादा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो जाएगा और एक सिंगल यूनिट हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो हम उसको बोलते हैं फाइल. तो फाइल आप लोग डिफरेंट हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो, यूएसबी में, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. तो डिफरेंट स्टोरेज मीडियम्स में आप फाइल को परमानेंटली सेव कर सकते हैं. तो जैसे ये एम्प्लॉय आईडी देखे, नंबर 3 अब्दुल्ला का रिकॉर्ड, देन आपके पास उस्मान का रिकॉर्ड, देन अली रजा का. तो जब ये एक से ज्यादा रिकॉर्ड हम लोग बोलते हैं तो उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल. अब डिफरेंस आप लोगों के पास फील्ड की क्या होता है, एक होती है फिक्स्ड लेंथ फील्ड फील्ड और एक होती है वेरिएबल लेंथ फील्ड. फिक्स्ड जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी लेंथ पहले से फिक्स्ड होगी, प्री डिफाइंड. इसका मतलब है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे फ्रेंड्स ने आना है और मैंने 4 बस में जाना है और मैंने 4 सीट्स रिजर्व कर लिए, या मूवी देखने जा रहे हैं हम लोगों ने 4 सीट्स रिजर्व कर लिए, 4 टिकट्स ले लिए, तो अब हम लोग सिर्फ 4 फ्रेंड्स ही जा सकते हैं, 4 से ज्यादा फ्रेंड्स को हम लोग वहां पे जाके एडजस्ट नहीं कर सकते. तो फिक्स्ड लेंथ फील्ड का क्या मतलब है, ऐसी फील्ड जिसका जो साइज है या लेंथ है कि इसमें कितनी लेंथ आप लोग कवर कर सकते हो, कितनी लेंथ का डाटा आ सकता है, वो क्या है, पहले से फिक्स्ड है. और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती है, जो पहले से फिक्स ना हो. हम लोग रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे पार्क में जाते हैं तो वहां पे मैंने कोई सीट्स को बुक नहीं करना होता. अब फॉर एग्जाम्पल पहले हम 4 फ्रेंड्स का प्लान था, अब हम लोग 5 फ्रेंड्स चलेंगे, तो अब हम वहां पे आराम से उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो फिक्स्ड लेंथ फील्ड का क्या मतलब है कि पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से एक चीज फिक्स हुई हुई है. फील्ड में जो भी चीज आनी है, जो भी डाटा आना है, उसकी लेंथ क्या है, फिक्स्ड, हम उस लेंथ को क्रॉस नहीं कर सकते. वेरिएबल लेंथ फील्ड का क्या मतलब है कि आप लोगों की फील्ड लेंथ फिक्स नहीं है, जितने भी करेक्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं आप उनके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो. तो उसका डिफरेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं. कंटेन्स प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर्स बाइट्स. आप लोगों के पास फिक्स्ड लेंथ का क्या मतलब होता है, ये बाउंड है, वेरिएबल बाउंड नहीं है. तो फिक्स्ड अब मैं आपके पास प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से पता होता है नंबर आप लोगों का कि पहले से कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप लोग फिक्स्ड फील्ड में एड कर सकते हैं. और वेरिएबल लेंथ में आप लोगों के पास पहले से फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्टर्स का पता नहीं होता, आप लोग नहीं बताते हो.
The data entered in fixed length field cannot exceed allocated length of the field. जैसे मैंने आपको कहा ना, हम लोगों ने मूवी के टिकट्स भी अब चार बंदों के लिए, हम पांच बंदे वहां पे नहीं एडजस्ट कर सकते. इसी तरीके से जो फिक्स्ड लेंथ फील्ड में डाटा, कभी भी जितनी मेमोरी या जितनी नंबर ऑफ करेक्टर्स उसको एलोकेट हुए, वो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता. बट वेरिएबल लेंथ हमारे पास जो फील्ड है वो उतनी ही स्पेस लेती है जितना यूजर ने डाटा एंटर किया. यूजर ने अगर फोर करेक्टर्स एंटर किए तो वो फोर लेंथ लेती है, अगर यूजर ने फाइव एंटर किए तो वो फाइव लेती है. तो वो यूजर के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो उसको चेंज करती चली जाती है. देन डेटा इज नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम. इफ द डेटा एंटर्ड इन द फिक्स्ड लेंथ फील्ड इज स्मॉलर देन द फील्ड लेंथ, द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी. आप लोगों के पास अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल चार सीट्स मैंने बुक करवा ली और हम लोग फोर की जगह सिर्फ टू फ्रेंड्स जाते हैं, तो वो जो दो सीट्स है वो हम लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी बुक कर दी, हम लोगों ने उसके पे कर दिया, तो वो मेरे पास एम्प्टी हो जाती है. इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल लेंथ फील्ड आप लोगों के पास क्या है कि उसमें कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होती है. आप लोगों को जितनी सीट चाहिए थी आपने बताया, आप लोग बैठ गए. बट अगर आप लोगों ने चीजें फिक्स कर लिए हैं और आप लोगों फॉर एग्जांपल फोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कर दिए लेकिन यूजर ने टू ही एंटर किए, तो बाकी के दो जो है वो क्या होगी, स्पेस एम्प्टी रह जाएगी, जिसकी वजह से स्पेस जो है हमारी वेस्ट होती है. देन आप लोगों के पास अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करें, तो सपोज हमारे पास एक फील्ड है कंट्री, फील्ड का नाम क्या है कंट्री, और उसकी लेंथ हम लोगों ने फिक्स कर दी है 15 करेक्टर्स, मतलब 15 बॉक्सेस, जो भी कंट्री का नेम है उसी 15 के अंदर पूरा आएगा. अगर उससे बड़ा है तो वो आप लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, छोटा है तो एम्प्टी स्पेस रह जाएगी. और आप लोगों के पास जिसमें वो 15 ही करेक्टर्स लेगा. इफ द यूजर एंटर 8 करेक्टर्स एंड द रिमेनिंग 7 स्पेसेस विल बी फिल्ड विद ब्लैंक स्पेसेस. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फिक्स लेंथ फील्ड में क्या था, 15 करेक्टर्स तक अलाउड है, बट यूजर ने जो कंट्री एंटर किया फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, वो 8 करेक्टर्स तक था, तो जो बाकी के 7 स्पेसेस हैं वो आप लोगों के पास क्या होती है, एम्प्टी रह जाती है. अब वेरिएबल लेंथ में क्या होता है कि क्योंकि पहले से आप लोगों के पास कोई भी चीज फिक्स नहीं है, तो हम लोगों ने कंट्री फील्ड में फॉर एग्जाम्पल एंटर किया पाकिस्तान, तो वो बैकएंड पे मेमोरी में उतनी ही फील्ड उतनी ही जगह लेगी जितना के पाकिस्तान जितने में पूरा आ जाए, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचेगी और कोई भी चीज फ्री नहीं रहेगी. अगर ये 7 करेक्टर्स को लेता है डिस्क में, तो वो 7 के 7 फिल होंगे, कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रहेगी. तो जैसे हम लोगों ने फिक्स किया, अगर आप बॉक्सेस को देखे तो हम लोगों ने 15 बॉक्सेस ले लिए. अब पाकिस्तान हम लोगों ने जब इस पे हर करेक्टर एक बॉक्स में पूरा आ गया, तो जो बाकी के रिमेनिंग है वो फ्री रहेंगे, उसमें कोई और डाटा भी नहीं आ सकता क्योंकि ये फिक्स्ड हुई हुई है जगह फील्ड लेंथ के लिए. बट वेरिएबल लेंथ में क्या होता है कि पाकिस्तान जितनी जगह पे पूरा आया उतना आ गया, आगे आप कोई और डाटा सेव कर सकते हो, आप लोगों की फील्ड की लेंथ फिक्स नहीं है. देन आप लोगों के पास आता है फाइल हैंडलिंग इन डेटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. हम लोगों ने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पहले भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने फाइल का ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, फाइल होती क्या है वो सब देखा था. अब है कि डेटा, अगर हम लोगों ने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को हैंडल कैसे करता है, हम लोग डेटा फाइल्स में सेव तो कर देते हैं, बट वहां पे आपके पास वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम उसको किस तरह से मैनेज करता है, कैसे पता चलता है कि आप लोगों के पास एक डेटा जो है या एक फील्ड का डेटा खत्म हो गया, दूसरी फील्ड का डेटा स्टार्ट हो गया, तो वो सब हम लोग डेटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे. तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज फाइल टू स्टोर डेटा एंड रिट्रीव डेटा. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि वो फाइल्स को मैनेज करता है, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा डेटा जो स्टोर करता है या रिट्रीव करता है वो फाइल्स के थ्रू ही करता है, फाइल्स में डेटा स्टोर करता है और फाइल से ही डेटा को रिट्रीव करता है या ओपन करता है. द फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड दैट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड. फाइल क्या होते हैं, फाइल्स में क्या होता है, रिकॉर्ड जो कलेक्शन क्या होता है, रिलेटेड फील्ड्स का. जैसे हम लोगों ने कहा था एम्प्लॉय का सारा डाटा रिकॉर्ड है, तो एम्प्लॉय की सारी फील्ड्स आएंगी उसमें. द रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपरली डिफाइंड इन एफएमएस. जो आपका रिकॉर्ड का लेआउट है, आपका रिकॉर्ड किस तरह से नजर आएगा, वो आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डिसाइड करता है, वो डिफाइन करता है कि आप लोगों को रिकॉर्ड किस तरह से नजर आएगा, उसका लेआउट क्या होगा.
अ फील्ड इन अ रिकॉर्ड कैन बी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ. जैसे अभी हम लोगों ने फिक्स और वेरिएबल लेंथ फील्ड को देखा, तो इन दोनों में से कोई भी आप लोगों की फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज हो सकता है किसी भी फील्ड के लेंथ को कंट्रोल करने के लिए. ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस. जितनी भी फील्ड होती है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है एक स्टार्टिंग क्या होती है, एक मेमोरी एड्रेस की. फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय आईडी की एक फील्ड ले ली, नेम के लिए, हायर डेट के लिए, जॉब डेट. तो एम्प्लॉय आईडी तो आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ये 001 से शुरू हुआ, फिर क्योंकि मुझे पता है आईडी है वो इंटीजर में होगा तो ये तकरीबन मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा. तो नेम स्टार्ट होने से पहले एम्प्लॉय आईडी, या तो अगर उसकी फील्ड हम लोगों ने फिक्स किया है तो वो जितनी हम लोगों ने फिक्स किया उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा. अगर वेरिएबल है तो हमें पता है कि ये 1 से लेके या 5 तक, या क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स मेमोरी में लेता है तो 1+4=5, तो 1 से लेके 5 तक एम्प्लॉय आईडी ही पड़ा होगा. नेम करूं तो नेम आपके पास स्ट्रिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिक्स कर दिया कि भाई 20 बाइट्स का तो होगा, 20 कैरेक्टर्स तो लेगा, तो 5 से लेके 25 तक उसने फिक्स कर लिया. तो इस तरह आप लोगों के पास फील्ड की लेंथ से पता चलता है कि कौन सी फील्ड अभी स्टार्ट होगी और कौन सी कब एंड होगी. द स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ ईच फील्ड एंड लेंथ ऑफ इज यूज टू आइडेंटिफाई इट्स स्टोरेज लोकेशन. किसी भी फील्ड का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है और कितनी लेंथ है, वो कहां तक उसने मेमोरी रिजर्व की है, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, आइडेंटिफाई करता है आपकी लोकेशन कि आप लोगों का डाटा कहां से स्टार्ट हो रहा है वो कहां तक आप लोगों के पास एंड हो रहा है. द फील्ड नेम इज यूज एज अ नेम रेफरेंस टू स्टोर रिट्रीव डाटा. फील्ड का जो नेम होता है वो यूज होता है, जैसे मैंने कोई रिकॉर्ड आपका एक्सट्रैक्ट आउट करना हो तो मैं रोल नंबर के थ्रू करती हूँ. तो रोल नंबर क्या है, फील्ड का एक नेम है. इट रेफर्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड. तो जो भी आप लोगों के पास फील्ड नेम है आप उसी पे डाटा स्टोर करते हो, उसी के थ्रू रिट्रीव करते हो, यही आपको स्पेसिफिक मेमोरी के बारे में बताता है. कोई भी स्पेसिफिक फील्ड आपको उससे रिलेटेड मेमोरी लोकेशन पे पहुंचाती है. देन आप लोगों के पास अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल द फील्ड नेम हाई डेट है, वो आप लोगों के पास, जैसे मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया हाई डेट एड्रेस लेता है 25. किस तरह से लेता है, क्योंकि मुझे पता है एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है तो वो 4 बाइट्स लेता है, तो 1 से लेके 4. नेम को फॉर एग्जांपल मैंने 20 करेक्टर, मैंने कहा 20 करेक्टर से ज्यादा ना हो गए, 20 करेक्टर से ज्यादा नहीं, एक करेक्टर एक बाइट लेता है तो 25. और ऑटोमेटिकली फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये जो हायर डेट है ये आप लोगों के पास 25 से स्टार्ट होगी. अगर हम लोग इसको देखें तो 1 से लेके 4 बाइट्स अगर एम्प्लॉय आईडी लेता है तो 5 तक, अगर 20 बाइट्स नेम ने लिए तो 25 तक. तो अब हायर डेट की स्टार्टिंग क्या होगी, 25. और अगर हायर डेट ने भी लिया है 8 बाइट्स तो 25+8=33. फिर 10 बाइट्स अगर हम लोगों ने जॉब टाइटल को दिए, देन 10 बाइट्स हमने क्वालिफिकेशन को दिए, तो टोटल 53. तो आपकी दो चीजें जो है वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करती हैं. एक फील्ड का जो आपका नेम है, उस फील्ड में आपने कितनी मेमोरी, फील्ड की लेंथ कितनी है, सबसे पहले स्टार्टिंग एड्रेस और फील्ड की लेंथ कितनी है, उससे आपको पता चलता है कि आपका डाटा, आपके उस फील्ड का डाटा किस जगह पे जाके एंड हो रहा है. देन टेबल और रिलेशन, आप लोग टेबल को रिलेशन भी बोलते हो. टेबल आप लोगों के पास, आप लोग किसी भी एंटिटी का, जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय नंबर 1 नंबर 2 3 का टेबल्स ही बनाए हुए थे, तो किसी भी एंटिटी के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है वो आप लोग टेबल्स में करते हो. टेबल्स को आप लोग रिलेशन भी बोलते हो. और आप लोगों के पास टेबल क्या होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन मिला के. एंड एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विद, एंटिटी क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में हम लोगों ने डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है वो आप लोगों के पास एंटिटी है. एंटिटी जो है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हो जाते हैं विद यूनिक नेम. जैसे मैंने अभी आपको कहा स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसका नेम होगा, उसके इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, तो ये सारी आप लोगों के स्टूडेंट के एट्रीब्यूट, का जेंडर, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. और यूनिक नेम्स होते हैं हमेशा, आपकी हर फील्ड का नाम क्या होता है यूनिक, उसी तरह एट्रीब्यूट्स के नाम भी यूनिक होते हैं. देन ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू. हर एट्रीब्यूट का की एक ही वैल्यू होती है. जैसे एक स्टूडेंट का एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकते. आप जब ऑफिशियली डेटा एंटर करते हो तो कभी स्टूडेंट्स के निकनेम एंटर नहीं करते हो, आप लोग स्टूडेंट का ऑफिशियल नाम एंटर करते हो. किसी स्टूडेंट का रोल नंबर एक से ज्यादा नहीं हो सकता.
कोई स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहा है तो वो दो सब्जेक्ट इंग्लिश के एक साथ नहीं ले रहा होता, वो हमेशा कंपल्सरी इंग्लिश एक ही ले रहा होगा. तो हर एट्रीब्यूट या हर फील्ड में एक ही वैल्यू होती है. देन सपोज अगर हम लोगों ने स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना हो तो आप लोगों के पास क्या क्या एंटिटी होगी, उसमें स्टूडेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें एक मेन एंटिटी क्या है, स्टूडेंट. दूसरी एंटिटी क्या है, टीचर. थर्ड कोर्स लिस्ट, फिर स्कॉलरशिप, टाइम टेबल. तो ये सारे क्या एक पूरे सिस्टम में कौन कौन लोग काम कर रहे होते हैं. जैसे स्टूडेंट, अभी आप लोगों का ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो स्टूडेंट इन्वॉल्व है, टीचर इन्वॉल्व है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो इन्वॉल्व होता है, फिर टाइम टेबल आपने किस टाइम पे कौन सी क्लास लेनी है वो इन्वॉल्व है. इसके अलावा आप लोगों के पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप्स भी होती हैं कि अब कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये सारे मिला के आप लोग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हो. और ये स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, ये सारी की सारी क्या एंटिटीज हैं, हर एक एंटिटी अलग अलग है. देन अगर हम लोगों को टेबल बनाना हो या रिलेशन बनाना हो तो और वो भी स्टूडेंट की एंटिटी के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटाबेस में बनाना है टेबल, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, स्टूडेंट. स्टूडेंट को जो मैंने लिखा इसका मतलब है टेबल का नाम है स्टूडेंट, और उसके बाद ब्रैकेट में जो लिखा मैंने रोल नंबर, नेम, DOB, एड्रेस, फोन, ये क्या है उसके कॉलम्स हैं. स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है और रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन, ये क्या है उसके कॉलम्स, उसकी फील्ड्स हैं. द नेम स्टूडेंट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एंटिटी. स्टूडेंट टेबल का नाम है तो जो भी टेबल का नाम है वही उसकी एंटिटी का नाम है, तो ये स्टूडेंट एंटिटी का नाम है. और रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फील्ड्स हैं. देन आप लोगों के पास दिस डेफिनेशन ऑफ एंटिटी कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ रिलेशन इजीली. अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मुझे पता है कि इस टेबल का नाम, पूरे टेबल का नाम स्टूडेंट होगा, और उसके अंदर हर कॉलम का, एक कॉलम का नाम रोल नंबर है, एक का नाम नेम है, एक में DOB आएगा, एक में एड्रेस, एक में फोन. तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए एक टेबल को आसानी से बना सकती हूँ. All attributes in the parentheses are converted into columns of a relation as follows. जितने भी आप लोगों के पास ब्रैकेट्स में एट्रीब्यूट्स हैं वो हर एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस टेबल के या स्टूडेंट टेबल के कॉलम को. तो जिस तरह से आप लोगों के पास ये डाटा आ गया, रोज में आप लोग रिकॉर्ड्स एंटर करते हो, ये क्या हो गए, कॉलम्स. तो आप लोग, अगर आप लोगों के पास डाटा गिवन है स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, तो आप इस डाटा को देख के इजिली कॉलम बना सकते हैं. जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके क्या होते हैं, कॉलम्स. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप लोगों के पास किसी भी टेबल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये एक टेबल है या रिलेशनशिप की कैटेगरी में फॉल करता है, सॉरी रिलेशन की कैटेगरी में फॉल करता है. सबसे पहले नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट. किसी भी टेबल में डुप्लीकेट रोल नंबर वन का डाटा तीन दफा नहीं आएगा, रोल नंबर वन का डाटा एक ही दफा, एक ही रिकॉर्ड होगा. अ टेबल शुड हैव two identical rows. It must have at least one column or set of columns to uniquely identify each row in our column. Such column or set of column is called primary row. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आप लोगों का स्टूडेंट का अगर मैं डेटा मेंटेन करूं, आप सबके रोल नंबर है, कोई भी दो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है जिनका रोल नंबर सेम हो, तो आप लोगों के पास टेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट का टेबल बना रही हूं तो उसकी पेरेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई भी डुप्लीकेट रो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. रोल नंबर वन दो दफा नहीं आ सकता या रोल नंबर वन की तीन रोज नहीं हो सकती. तो क्या हर रो, हर स्टूडेंट की एक ही रो होती है जिसमें उसका सारा डाटा आता है. और आप लोगों के पास हर कॉलम, आपके जितने भी कॉलम्स होते हैं उसमें से कोई एक कॉलम ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सब्जेक्ट. अब आप लोगों के नेम भी कितने लोगों के सेम हो सकते हैं, सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं, एज सेम हो सकती है, बट आप लोगों का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होता. तो हर रिकॉर्ड में, हर टेबल में एक कॉलम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी वजह से हम किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. और उस रिकॉर्ड, उस कॉलम को आप लोग क्या बोलते हो, प्राइमरी की. तो किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की मस्ट होती है. जैसे आप लोगों के केस में रोल नंबर होगा जिसमें वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती और जिस वैल्यू की बेसिस पे हम उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं.
देन ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट. रोज किस कॉलम में है ये ऑर्डर आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट नहीं होता किसी भी टेबल पे. फॉर एग्जाम्पल मैंने रोल नंबर 1 का डाटा पहले डाला, फिर 5 का डाला, फिर 8 का डाला, तो वो आप लोगों की मर्जी होती है, आप उसको ऑर्डर में डालो या ऊपर नीचे डालो. उससे ये कभी भी नहीं होगा कि उससे आपका टेबल ही बदल जाए. आपका रिकॉर्ड ऊपर नीचे जरूर होगा, बट वो टेबल की प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करेगा. रिकॉर्ड ऑर्डर ऑफ रो चेंज करने से आप लोगों के पास जो रिलेशन की प्रॉपर्टी है वो कभी भी चेंज नहीं होती. देन ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट. आप लोग कोई टेबल बनाते हो, उसमें पहले नेम लिख दो, बाद में रोल नंबर का कॉलम लिख दो, तो उसकी इनसिग्निफिकेंट होता है, कोई मसला नहीं होता. आप बेशक पहले नेम लिख दो, बाद में रोल नंबर लिखो, पहले सब्जेक्ट में माल लिखो, बाद में रोल नंबर नेम लिख दो, तो वो जो ऑर्डर होता है कॉलम का, क्योंकि इस कॉलम ऑर्डर के आप लोगों के टेबल में कॉलम का वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप चेंज कर सकते हो. कॉलम और एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक. एटॉमिक का मतलब है कि एक ही वैल्यू आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के पास मैंने डेटा एंटर किया रोल नंबर, तो उसमें एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी. एंड एन ट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जो सेल हम लोग बोलते हैं, एक कॉलम और रो को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल बनता है, और सेल में हमेशा एक ही वैल्यू आ सकती है. जैसे स्टूडेंट का एक ही नाम हो सकता है, एक ही रोल नंबर हो सकता है, उसके इंग्लिश के एक ही मार्क्स हो सकते हैं. ऐसे नहीं हो सकते हम लोग एक से ज्यादा मार्क्स उसके इंग्लिश या कंप्यूटर के एंटर करते हैं. देन आप लोगों के पास ये थी आप लोगों के पास रिलेशन की प्रॉपर्टीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. देन आप लोगों के पास होते हैं व्यू. व्यू का क्या मतलब है कि कोई चीज आपको किस तरह से दिखाई दे रही है. जैसे आप लोग बोलते हो व्यू बहुत अच्छा है, आप लोगों के पास माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, बट एक पर्टिकुलर एंगल है कि यहां से व्यू बहुत अच्छा है. इसका मतलब है कि डेटा आप लोगों के पास बहुत है, आप क्या देखना चाहते हो उसमें से वो आप लोगों का क्या होता है व्यू. तो व्यू को डिस्कस कर लेते हैं. व्यू इज अ वर्चुअल टेबल विच डिस्प्लेस डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स. तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा डाटा आप लोगों के स्टूडेंट्स का ना डिफरेंट टेबल्स में डाटा मैंने स्टोर किया हुआ है. स्टूडेंट का, टीचर का, टीचर्स का डाटा टीचर के टेबल में है, स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट के टेबल में है, इसी तरीके से कोर्सेज का जो सब्जेक्ट आप पढ़े उसका डाटा उनके टेबल में है. अब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन से स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसको कौन सी टीचर पढ़ा रही है. तो लेकिन स्टूडेंट का डाटा अपने टेबल में है, टीचर का अपने में, सब्जेक्ट का अपने टेबल में है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं या क्यूरी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि भाई मुझे इस स्टूडेंट का बताओ कि इस स्टूडेंट को कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है. तो ये क्या होता है, क्वेश्चन बोला मैंने उसको कि ये आंसर मुझे दो. तो जब वो मुझे एक टेबल की फॉर्म में डेटा दिखाएगा, उस टेबल को वर्चुअल टेबल बोलते हैं. वो टेबल आप लोगों के पास एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो टेबल सिर्फ मुझे रिजल्ट शो करने के लिए बनाया होता है बैकएंड पे. वो उसको आप लोग बोलते हो व्यू, उसको वर्चुअल टेबल बोलते हैं. और वर्चुअल टेबल में क्या होता है, एक से ज्यादा टेबल्स के से डाटा हम लोग लाके एक टेम्परेरी से टेबल बना के यूजर को दिखा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं व्यू. देन इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एसक्यूएल क्यूरी. और व्यू हमेशा किस तरह से जनरेट होता है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यू. एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. और जैसे क्यूरी मैंने आपको बताई क्या थी, कि मेरे पास डिफरेंट टेबल्स पर डाटा है, और जब मेरी क्यूरी क्या थी कि मुझे वो स्टूडेंट देखने हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और इस टीचर से पढ़ रहे हैं. तो ये क्या थी, क्यूरी जो मैंने बताया उसको, और उसने डिफरेंट टेबल्स में से डाटा को निकाल के एक वर्चुअल टेबल बना दिया और बताया कि ये वो डाटा है. डाटा जहां जहां से लाया उसने डाटा की एक्चुअल लोकेशन को चेंज नहीं किया, उसे सिर्फ मुझे दिखाने के लिए एक नया टेबल बना दिया, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल या व्यू. और ये हम लोग किस तरह से बनाते हैं, एसक्यूएल के थ्रू. एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. बड़ा पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज है, आप लोग बहुत ज्यादा यूज होता है, अभी तक बहुत ज्यादा यूज होता है. तो इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, डेटा की डेफिनेशन दे सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं. डेटा डिफाइन करने का मतलब है भाई डेटा को डिफाइन करो कि किस टाइप का डेटा आएगा, डेटा को किस तरह से सेव करना है, डेटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं. फिर अगर डाटा आ गया उसको मैं अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी का रोल नंबर नेम एड्रेस चेंज करना चाहती हूँ, डाटा को मैनिपुलेट किस तरह से करना है, तो वो आप लोगों का व्यूज के थ्रू कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो. फिर व्यूज का पर्पस क्या होता है, कि आप लोगों के डाटा को सेफ और सिक्योर रखे. किस तरह से, कि आपको ओरिजिनल डाटा वो दिखा का एक्सेस देता ही नहीं, ओरिजिनल टेबल पे आप जाते ही नहीं हो. जब आप ओरिजिनल टेबल पे नहीं जाओगे तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो.
आप क्यूरी लिखते हो कि मुझे ये डाटा दिखाओ, आपको वो डिफरेंट टेबल से वो डाटा ला के एक वर्चुअल टेबल बना के आपको दिखा देता है, लेकिन वो आपको ओरिजिनल टेबल का एक्सेस कभी भी नहीं देता। इसकी वजह से आप लोगों के पास डाटा सेफ और सिक्योर रहता है। देन द यूजर कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड इन द व्यू। यूजर अपनी मर्जी से देख सकता है कि वो उस व्यू में कौन से रिकॉर्ड्स देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ जिनके मार्क्स 50% से ज्यादा है, तो वो मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट्स दिखाएगा जिसके मार्क्स 50% से ज्यादा है, बाकी वो मुझे नहीं दिखाएगा। तो मैं अपनी मर्जी से चीजें देख सकती हूँ व्यू के थ्रू। फिर डाटा जो है मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिस्प्ले हो सकता है कि भाई मुझे डाटा इस तरह से देखना है कि कॉलम ऐसे हो, देन ये हो, मुझे ये चीज रेड में देखनी है, ग्रीन में, तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकूं। देन इट कीप्स एक्चुअल डाटा इन द टेबल सेव। जो एक्चुअल डाटा है वो टेबल में सेव रहता है, ताकि एक्सीडेंटली अगर आप किसी डाटा को डिलीट करो तो वो एक्चुअल पीछे बैकएंड से मास्टर टेबल से डिलीट नहीं हो जाता, वो सिर्फ उस वर्चुअल टेबल से होगा, तो इसलिए आपका डाटा सेफ रहता है। और उसके बाद आप लोगों के पास मेन चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। जो आप लोग टेबल्स, डाटा टेबल्स की फॉर्म में जब आप देखते हो, आप किस तरह से देखना चाहते हो, डिफरेंट टेबल्स का डाटा आप एक टेबल्स में देख सकते हो, तो आप लोगों को ये व्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन व्यू को क्रिएट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग एक से ज्यादा टेबल्स में से हम डाटा को निकाल के आना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट व्यू की कमांड यूज करेंगे। SQL में क्रिएट व्यू की एक कमांड है जिसके थ्रू आप लोग वर्चुअल टेबल बनाते हो और उनको देखते हो। तो सबसे पहले आप लोग से मैंने बोला उसको क्रिएट व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू, मतलब एक व्यू क्रिएट करो, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करो जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू उसका नाम होगा। तो इस कमांड ने क्या किया कि ये एक वर्चुअल टेबल बना देगा जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू, और उसमें सिलेक्ट क्या करो, रोल नंबर नेम, देन कहां से, स्टूडेंट टेबल में, एक वर्चुअल टेबल बनाना है स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू, और स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर और नेम लेके आओ, उसको सिलेक्ट करके लाओ, जहां जहां जेंडर में एम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्रिएट करो एक वर्चुअल टेबल, एक नकली सा टेबल क्रिएट करो जिसका नाम होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू, और उसमें जो स्टूडेंट टेबल में जाओ, जहां जहां जेंडर के कॉलम में एम लिखा है, उस रिकॉर्ड का रोल नंबर और नेम उस टेबल में व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू में दिखा दो। तो सबसे पहले क्या है, तो कमांड क्या करेगी, व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू का एक व्यू बनाएगी। व्यू में फिर हम लोग मेल स्टूडेंट्स का डाटा देखना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट है उसमें से जितने मेल स्टूडेंट है उनका डाटा देखना चाह रहे हैं, उनका रोल नंबर और नेम देखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग क्यूरी पुट करते हो और व्यूज को जनरेट करते हो। तो इस क्यूरी का क्या मतलब है, अब मेरे पास मेल और फीमेल स्टूडेंट सबका डाटा इकट्ठा है, मैं देखना चाहती हूँ कि सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का नेम और रोल नंबर नजर आए, तो मैंने क्या कहा, एक वर्चुअल सा एक टेबल बना दो, नकली सा, ओरिजिनल को चेंज मत करो, एक वर्चुअल टेबल बना दो, उसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू, और उसमें रोल नंबर और नेम के कॉलम डाल दो स्टूडेंट में से, और सिर्फ उसका डालना जिसके जेंडर में एम लिखा हुआ है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया कि ये जो कमांड्स है ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की, और जिनके थ्रू हम लोग व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके पर्पस को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो अपने डिस्कशन सेशन में। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी टेबल में आप लोगों के पास, जैसे हम लोगों ने यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, तो हमने डिस्कस किया प्राइमरी की से करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी रोल नंबर की, तो डिफरेंट टाइप टेबल में डिफरेंट टाइप की हम लोग कीज को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की या डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो क्या होते हैं, उनके टास्क क्या होते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।